पिछले एक साल में डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी मात्रा में वृद्धि होने के कारण सामान्य नागरिक त्रस्त है। इस वृद्धि के कारण किसानों का खेती मशक्कत का खर्चा बढ़ा है। मौदा तालुका में धान की फसल बड़े पैमाने पर ली जाती है। आजकल धान बुआई के पहले बांध में ट्रैक्टर द्वारा कीचड़ किया जाता है, जिसके लिए किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए देने पड़ रहे। आजकल छोटे किसान भी भाड़ी से ट्रैक्टर लाकर बांधों में कीचड़ करते हैं। आज डीजल के दाम और मजदूरी बढ़ने के कारण सामान्य किसान हरकत में आ गए हैं। जिस प्रकार आज खेती का उत्पादन खर्च बढ़ा है, उसी तुलना में किसानों के खेती उत्पादन को बाजार में भाव नहीं मिलने के कारण किसान काफी परेशान है। किसानों के माल को उचित भाव मिलने हेतु सरकार ने ठोस कदम उठाने की मांग किसान कर रहे हैं। BCN न्यूज के लिए मौला से संजय केड़े की रिपोर्ट। ट्रैक्टरचे जे रेट होते जमिनीला मशागत करण्यासाठी त्यांचे ते 2,000 रुपये एकरी होतं, आता 3,000 रुपये एकरी झालेलं आहे। त्याच्यामुळे कसं आहे, शेतीला न परवडण्यासारखं झालं आहे ना, कारण डिझेलचे रेट वाढल्यामुळे गाड्याचे रेट, ट्रॅक्टरचे रेट, मजुराचे रेट हे सर्व वाढलं, त्याच्यामुळे महागाईमुळे खूप फरक पडला आहे शेतकऱ्यावरती। तरी सरकारने यांनी डिझेलचे रेट कमी करायला पाहिजे।